हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नंदिता किचन। आज मैं आपको एमपी की मशहूर इंदौरी पोहा बनाने की रेसिपी बताऊंगी, जिसे स्टीम करके बनाया जाता है और एक खास मसाले के साथ बनाया जाता है, जिससे ये पोहा बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मसाले बनाएंगे। उसके लिए 2 बड़े चम्मच हम गोटा जीरा लेंगे, 1 बड़े चम्मच गोटा धनिया लेंगे, 1 बड़े चम्मच सौंफ, 8-10 गोलमरीच, 6-7 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का लेंगे। अब हम इन सारे मसाले को ड्राई रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पे, जब तक ये अच्छे से भुन ना जाए। ये जो हमारा मसाला बन रहा है, इसे हम जीरावन मसाला कहते हैं, जो हमारे पोहे को बहुत टेस्टी बनाता है। हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर ग्राइंड कर लेंगे। मैंने मसाले को ठंडा कर अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो वो भी डाल दें, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और ये हमारा मसाला बनकर तैयार है। अब मैंने यहाँ 3 कप पोहे लिए। मैंने बहुत पतले वाले पोहे नहीं लिए हैं, मीडियम वाला पोहा लिया है। अब हम पोहे को अच्छे से धोकर साफ़ कर लेंगे 2-3 बार पानी से, और ध्यान रखें कि हमें इसे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के नहीं धोना है, नहीं तो हमारा पोहा जो है वो टूट सकता है और वो फिर चूर हो जाएगा। मैंने अच्छे से इसे पानी से धोकर साफ़ कर लिया है और इसमें 1-2 चम्मच पानी रहने दिया है, ताकि हमारा पोहा जो है वो फूल जाए। हमारा पोहा अच्छे से फूल गया है, देखिए ये अच्छे से फूल गया है। अब हम एक बर्तन लेंगे, इस तरह का गाढ़ा बर्तन, इसके ऊपर हम जाली रखेंगे इस तरह का, और इसके ऊपर हम अपने पोहे को डाल देंगे, ताकि हमारे पोहे में जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे बर्तन में चला जाए। और पोहे को हम इस तरह से फैला देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, चीनी डालेंगे, चीनी आप अपने हिसाब से डालें, और 1/2 नींबू का रस इसमें हम निचोड़ देंगे। अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ एक पतीले में पानी गर्म करके रखा है। अब हम इसके ऊपर अपने पोहे को स्टीम करेंगे। जाली को इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे और इसे हम ढककर 4 से 5 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए हमारा पोहा कितने अच्छे से स्टीम हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया और ये खिला खिला लग रहा है। अब हम इसको इसके ऊपर से हटा देंगे, स्टीम के ऊपर से। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। उसके लिए एक पैन में हम तेल डालेंगे 2 बड़े चम्मच, तेल को गर्म होने देंगे। अब हम इसमें राई के दाने डालेंगे, राई के दाने को अच्छे से चटकने देंगे। हमारा राई अच्छे से चटक गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे, थोड़ा सा हरी मिर्च कटी हुई डालेंगे। तड़के को थोड़ा सा पका लेते हैं। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज ना डालें। प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ थोड़ा सा टमाटर डालेंगे, सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि हमने पोहे में भी पहले नमक डाला हुआ है, और बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी, क्योंकि पोहे में हल्दी भी डाला हुआ है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा तड़का अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें स्टीम किया हुआ पोहा डालेंगे। पोहे को तड़के के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तड़के के साथ पोहे को। हम अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी अभी ये तैयार नहीं हुआ है, इसमें थोड़ा सा काम और बाकी है। गर्मा गर्म पोहे को पहले हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। इसके ऊपर बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, ये ऑप्शनल है, और भुना हुआ बादाम, ये बादाम को मैंने पहले से भून के रखा था। बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे, और जो हमने मसाले तैयार किए थे अब हम उसे डालेंगे इसके ऊपर। चारों तरफ मसाले को हम अच्छे से फैला देंगे, क्योंकि ये मसाला ही इस पोहे की जान है।
अब हम इसमें बारीक कटा हुआ पुदीना का पत्ता डालेंगे, थोड़ा सा मिक्सर डालेंगे या सेब डालेंगे और ये हमारा इंदौरी पोहा जो है वो बनकर तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। आपको ये रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।